कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो मैंने पर्पल से कुछ सामान मंगाया था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो उसका मैंने एक फेस 10 रिमूवल फेस वॉश है, ये अपटन ये का मामा अर्थ का, ये बहुत ही अच्छा है। लगा के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फेस वॉश, एकदम फेस देखिए क्लीन। मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला। और उसके बाद मैंने एक मंगाया है ये मामा अर्थ का, ये टोनर है, फेस टोनर, तो इसको मैं अभी यूज करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा अभी यूज करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। खुशबू बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैंने मंगाया था पर्पल का स्किन रिपेयर सीरम, विटामिन ई और विटामिन सी वाला ये सीरम था। तो मैंने ये पहले भी यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बीच में जो भी इसका यूज़ कर रही थी, ये रिविटा ये ग्लो वाला, तो ये पहले मैं यूज़ कर रही थी, पर इस बार मैंने ये मंगाया तो ये अभी यूज करके देखूँगी। ये स्किन केयर रूटीन, अच्छा लग रहा है लगा के। इसके बाद में ये न्यूट्रीडर्म का मैंने क्रीम, मैं हमेशा ये करीब में अभी मैं 2 साल से इसको यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर क्रीम है। और इसके साथ मुझे मिला है ये दो फ्री में फेस वॉश एक मिला है और ये फेस मास्क मिला है। इसको मैं कल यूज करूंगी, देखती हूँ कैसा लग रहा है। और बस यही इतना ही मैंने प्रोडक्ट मंगा। और हाँ, और एक मैंने लिपस्टिक मंगाया था इसका, देखिए कलर इसका। तो वो सामान दे दी भी, तो मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कैसा लगा मेरा ये सब सामान आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर यूज़फुल लगा हो, अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अभी कैसे दिया जाता मुझे पता नहीं है, तो मैंने सोचा मैं मंगवाई हूँ, मुझे अच्छा लगा तो इसका ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर और क्या होता है देखते हैं। आज ब्लॉग जब स्टार्ट कर दी हूँ तो इसका कलर देखिए लिपस्टिक का। तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से एकदम बाल में तेल वेल लगा के रखी हूँ, कल शैम्पू करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए हमारे घर कौन आया है, हमारे घर आए हैं अर्जन कुमार सिंह। अरे देखिए ये कैसे मस्ती में खेल रहा है। बाबू अब बाबू तू कहाँ आइल बड़ा, दादी माँ के घरे। बाबू दादी माँ के घरे आइल बा, अरे हंसी हंसी कर दा, अभी कैसे हंसत रहा हंस दे। बाबू चुना अच्छा मुन्ना, अच्छा मुन्ना। बाबू आधा धूप में है आधा छांव में है, इसको धूप में सुला दिए हैं, यहीं पे खेल रहा है। अब इसको निन्नी भी आ रहा है। अरे बाबले जा 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 बाबू जा,
ये अपना चाचू का बचपन के तकिया पे सोया है चाचू का। अले 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 भूखो लग गई बका बाबू के। बाबू के भूखो लग गई बका। तो चलिए इसको भी खिला लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। यहाँ हम लोग आ गए हैं संकट मोचन के मंदिर में। बहुत दिन हो गया था मंदिर नहीं आए थे, तो ये हमेशा मंगलवार को आते हैं, तो मैंने बोला कि चलिए मैं आज मैं भी आऊँगी शाम को, तो वही बाबा का दर्शन करने आए हैं। चलिए आप लोग को भी करवाते हैं दर्शन। तो पूजा हम लोग का ख़त्म हो चुका है और पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग का पूजा वगैरह करवा दी है, और बैठ के हम लोग हनुमान चालीसा वगैरह ये सब भी पढ़े थे। और उसके बाद में यहाँ अभी हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा, और परिक्रमा में 7 परिक्रमा की और ये 11 परिक्रमा किए, और ये अपना परिक्रमा करते करते भूल भी गए थे कितना परिक्रमा किए। तो उसके बाद में हम लोग प्रसाद वगैरह लेके हम रागनी दी के यहाँ गए, वहाँ से फिर एक जगह और जाना था वहाँ गए। तो इसी तरह मैं व्यस्त रहती हूँ पूरा दिन, देखिए कैसे व्यस्त रहते हैं। बच्चे नहीं हैं तो कुछ ना कुछ करके तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा दिन खाली ऐसे ही अकेले अकेले घर में रह के। पिंकी रहती है तो और क्या करे क्या नहीं।
तो इसी तरह आज मंगलवार था तो मैंने सोचा कि मैं भी मंदिर चली जाती हूँ इनके साथ, ये हर एक मंगलवार को आते हैं, तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो मंदिर से आ गए हम लोग और ये दूसरा दिन का है वीडियो, और क्योंकि पहला दिन का वो मेकअप प्रोडक्ट वाला था और तो उसके बाद उस दिन मैंने कोई शूट ही नहीं किया था, और दिन में बाबू आया था तो उसका शूट किया, फिर मैंने हम लोग शाम को मंदिर गए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, तो वही मंदिर का है। उसके बाद दीदी के यहाँ भी गई थी तो दीदी के यहाँ का भी ब्लॉग मैं नहीं बनाई, दीदी चेन्नई से आ गई है अभी, ठीक है पहले से, तो उनसे मिलने गए थे। फिर डीमो एक आदमी के यहाँ गए थे, उनका भी तबीयत ठीक नहीं था तो उनसे भी मिल के आए हैं, और उसके बाद में और क्या हुआ, और कुछ नहीं, उसके बाद घर पहुँच गए हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को मिल जाएगा। मेरा बाल स्ट्रेट करवाए थे अब ख़राब हो गया, इसको फिर से करवाना पड़ेगा सोच रही हूँ, और कलर भी करवाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।